अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो मैं बना रही हूँ कीवी के ऊपर। कीवी एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसको किस तरीके से इसको छीलेंगे काटेंगे वो भी मैंने आपको उसका तरीका बताया है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़, अच्छा इसमें जो कैलोरीज होती हैं 60 कैलोरीज, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो ज़रूर कीवी को अपने इस्तेमाल में लाएं। उसके अलावा इसके रेगुलर इस्तेमाल से, मुसलसल इसके इस्तेमाल से, अगर जो लोग, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या दिल की बीमारियां हैं, उसमें भी उनको बहुत बहुत कमी महसूस होगी ब्लड प्रेशर में और उनको फ़ायदा नज़र आएगा। उसके अलावा जिनको सांस का प्रॉब्लम है, सांस की बीमारियाँ हैं, लंग्स के जो भी मसाइल हैं, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। इसमें हाई फाइबर है और इसमें विटामिन सी है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसकी जो मैं इसको क्यों पसंद करती हूँ, उसकी एक वजह है, सबसे बड़ी वजह है कि ये इसमें ताकत होती है कॉलेजन की। ये कॉलेजन बनाता है और कॉलेजन हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये इसकी एक बेस्ट वजह है जिसकी वजह से मैं इसको खाना पसंद करती हूँ। अच्छा, इसका टेस्ट हल्का सा खट्टा सा होता है, लोग कहते हैं काफ़ी खट्टा होता है, लेकिन मैंने इसको मुझे नहीं लगता कि इतना खट्टा होता है। हालांकि मैं खट्टी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। अच्छा, मैं इसको आपको खा कर दिखाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। आस पास कुछ लोग बैठे हैं जिनको ये खाना है और वो मेरी वीडियो बनने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वीडियो बनेगी तो फिर उनको कीवी खाने के लिए मिलेगा। इतना टेस्टी है, डर लग रहा है लोगों को कहीं वीडियो में ही सारा खत्म हो जाए। बहुत मज़े का है, बहुत फ़ायदेमंद है आपकी स्किन के लिए, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, बीपी के मसाइल, लंग्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, और जो लोग वज़न कम कर रहे हैं वो तो इसको ज़रूर ज़रूर शामिल कीजिए। इसे आप दोपहर में खाइए, खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद। इससे पहले पूरा ख़त्म हो, अब आप बाकी वीडियो में देखिए कि इसको किस तरीके से मैंने काटा है और छीला है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये छीलना काटना बताऊंगी। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपने ऊपर की तरफ से इसको इस तरीके से छुरी को घुमा के चलाना है, क्योंकि इसके बीच में एक स्टिकनुमा चीज़ होती है जो कि छुरी से नहीं कटेगी। इसको फिर आपने हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेशर देके निकालना है। दोनों तरफ से इसी तरीके से काटेंगे, ठीक है? ज़्यादा ना काटेगा, ज़ाया होने वाली बात है। और फिर अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले जो वीडियो आपने देखी उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये हमारे खाने को भी बहुत अच्छी तरीके से हज़म करता है। तो अगर हम इसको खाना खाने के बाद खाएंगे तो ये हमारा जो भी हमने खाया होगा उसको अच्छी तरीके से हज़म करेगा। और आपको पता है जब खाना हज़म हो जाता है तो काफ़ी सारी बीमारियों का हल हो जाता है। छिलका देखें कितना बारीक मैंने छीला है, इस तरीके से आपने बारीक बारीक छीलना है। उसके अलावा ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उसके साथ साथ ख़ास तौर से जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, उनको ज़रूर ये खाना चाहिए। बिल्कुल हाँ, ये थोड़ी मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया है ताकि दोबारा से अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे दूँ कि किस तरीके से इसमें कैलोरीज 60 कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम होता है, हाई फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, हेल्प इन डाइजेशन, खाना हजम करता है, बीपी में कमी करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कॉलेजन बनाने की ताकत रखता है। खैर, इसका लुभाव यही है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत टेस्टी है, आपको ज़रूर खाना चाहिए, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इसके साथ मैं आपको उसकी जो मैंने काट लिया तो उसके बाद मैं पिक्चर दिखाती हूँ कितना टेस्टी लग रहा है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।